गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इनकम की क्लास में आपका स्वागत है आज इनकम टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर का चौथा लेक्चर है इस फोर्थ लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केसेस सबसे पहला है कैपिटल गेन इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट यदि किसी कैपिटल एसेट का इनमें से किसी भी कारण से जैसे कि बाढ़ पवंडर तूफान चक्रवात या किसी प्राकृतिक डिजास्टर की वजह से सिविल बलवे की वजह से उपद्रव की वजह से आग से एक्सप्लोजन से या किसी भी शत्रु की कार्रवाई से या घोषणा हो या ना हो शत्रु युद्ध का तो भी यदि इसकी वजह से किसी कैपिटल असेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब ऐसी स्थिति में जो हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे वो प्राप्त करने की तिथि को हम या बाजार प्राप्त करने की तिथि को जो मूल्य प्राप्त हुआ है या फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे दूसरा केस है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड जब कोई व्यक्ति अपनी निजी कैपिटल असेट को अपने व्यापार के लिए एज ए स्टॉक इन ट्रेड अपनी असेट को ट्रांसफर करता है परिवर्तन करता है तो उससे जो लाभ होगा ट्रांसफर की डेट तक का वह पूंजी लाभ में योग्य होगा और उसके पश्चात जब वो उसे बेच देगा तो जिस वित्तीय वर्ष में बेचेगा उस वित्तीय वर्ष में ही ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा और उसी वित्तीय वर्ष में जो ट्रांसफर की डेट और एक्चुअल सेल प्रोसीड का जो अंतर होगा वो बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा अब इस चीज को दोबारा से समझा देते हैं कि जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल असेट को अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो उसे हम ऐसी स्थिति में जो भी वो कन्वर्जन करेगा उसे हम जो भी मार्केट वैल्यू है वो हम मानेंगे अब एक एग्जांपल से इसे समझे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, आएगा आपको मिस्टर एक्स ने एक प्लॉट जो है वो साठ हजार रुपये का स्टॉक इन ट्रेड में इकतीस चौदह को कन्वर्ट किया फेयर मार्केट वैल्यू जो है चौदह की दो लाख पचास हजार थी जिस दिन उस दिन वो कन्वर्ट किया गया और स्टॉक इन ट्रेड बेचा गया तीन लाख सात को दो हजार दो 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 हजार इक्कीस को तो वित्तीय वर्ष बीस इक्कीस में ये बेचा गया और वित्तीय वर्ष चौदह पंद्रह में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया चौदह तेरह चौदह में कन्वर्ट किया गया था तो 2013 और 14 में ये टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि ये टैक्सेबल होगा दो हजार में तो इसलिए हम इसे सामने देखते हैं असेसमेंट इक्कीस बाईस में हमने कहा ग्रोथ सेल प्रोसीड तीन लाख सत्तर हजार का बेचा था कन्वर्जन की डेट को फेयर मार्केट वैल्यू थी दो तो अंतर आ गया एक लाख बीस हजार रुपए ये हमारा हो गया बिजनेस प्रॉफिट आज आपने तीन लाख सत्तर हजार में बेचा है बेटा और ढाई लाख रुपए में वैल्यू थी उस दिन की बाजार मूल्य जिस दिन ये कन्वर्जन किया गया तो एक लाख बीस हजार आपका बिजनेस इनकम हो गया आपने खरीदा कितने रुपए का था साठ हजार रुपए का खरीदा था और फेयर मार्केट वैल्यू को आ, जो वैल्यू डेट ऑफ कन्वर्जन पर वैल्यू थी वह हमारी हो जाएगी फुल वैल्यू कंसिट्रेशन ढाई लाख रुपया तो हम इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विशन घटाएंगे साठ हजार इंटू दो सौ बीस घटाएंगे यहाँ पर डॉइड बाईस सो क्योंकि वो पहले ही खरीदा गया था ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दो हजार एक दो में खरीदा था तो उस दिन का इंडेक्स नंबर सौ था उस समय का उस फाइनेंशियल ईयर का और कन्वर्जन किया गया था दो हजार तेरह चौदह में उसका इंडेक्स नंबर है दो सौ बीस तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीन सौ एक नहीं आएगा दो सौ बीस आएगा 220 इसलिए आएगा क्योंकि जिस ईयर में इन्होंने कन्वर्ट किया था उस ईयर का इंडेक्स नंबर 220 है जिसे मल्टीप्लाई करके एक लाख बत्तीस हजार आ जाएगा दो लाख पचास हजार में से एक लाख बत्तीस हजार कटाने के बाद एक लाख अट्ठारह हजार आ जाएगा तो एक लाख बीस हजार आपका बिजनेस इनकम हो गया और एक लाख अट्ठारह हजार आपका कैपिटल गेन हो गया तो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई दो लाख अड़तीस हजार अगला केस है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट टू फर्म और एओपी और बीओआई अगर कोई व्यक्ति अपनी बीओआई या एओपी या फर्म को कोई असेट ट्रांसफर करता है कोई पार्टनर बनता है <coughs> तो क्वेश्चन आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा उस व्यक्ति के लिए <coughs> <coughs> तो उस व्यक्ति के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा रिकॉर्डेड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्डेड वैल्यू इन दुक्स ऑफ फॉर्म जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति एबीसी अपनी ज्वेलरी को सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं ज्वेलरी का और उन्होंने साठ हजार रुपए की ज्वेलरी को पचास हजार में फॉर्म में रिकॉर्ड कराया तो पचास हजार रुपए ही क्रॉस सेल प्रोसीड माना जाएगा ना कि साठ हजार रुपए एक अन्य एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पे आ रहा है आपको एबीसी ने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी 2020 को और उन्होंने अपना बिजनेस कैरी करने के लिए ज्वेलरी को दिया ए एज कैपिटल जो परचेज की गई थी पांच पांच दो हजार चार को लॉन्ग टर्म हो गया एक लाख रुपए की थी फेयर मार्केट वैल्यू कंट्रीब्यूशन वाले दिन सोलह लाख थी लेकिन फर्म ने चौदह लाख पचास हजार की रिकॉर्डेड एंट्री करी तो यहाँ पर चूंकि फर्म ने चौदह लाख पचास हजार फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड की एंट्री करी तो हम ग्रोस सेल प्रोसीड यह फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फोर्टीन लाख फिफ्टी को लेंगे और चूंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है तो वन लाख इंटू थ्री इस साल का इंडेक्स नंबर क्योंकि इसी वित्तीय वर्ष में फॉर्म को कन्वर्ट किया गया है असेट को कन्वर्ट मीन्स पर्सनल असेट को फॉर्म को एज ए कैपिटल दिया गया है और जिस फाइनेंशियल ईयर में ये खरीदी गई थी वो ईयर

इसका मतलब ध्यान देखिए कि जब पार्टनर फर्म को देता है तो रिकॉर्डेड वैल्यू मानी जाती है लेकिन जब फर्म पार्टनर को देता है तो ऐसी स्थिति में फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसीडरेशन में आती है अर्थात अगर चालीस हजार रुपए की संपत्ति को फेयर मार्केट वैल्यू पचास हजार थी और उसे चालीस हजार रुपए के रूप में भी मिलती है तो फर्म के लिए तो फर्म चूंकि फर्म ने ट्रांसफर करी है तो फर्म का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा फेयर मार्केट में जबकि फॉर्म ने चालीस हजार रुपए की एंट्री करी है बाजार मूल्य पचास हजार है तो भी हम इसे ये बात का ध्यान रखेंगे पांचवा है यदि किसी संपत्ति कैपिटल असेट को गवर्नमेंट के द्वारा किसी लॉ के अंतर्गत किस कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाता है और ऐसी स्थिति में जिस फाइनेंशियल ईयर में एक्विजिशन किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में ही अगर आपको सामान्यता मिल जाता है कंपनसेशन तो जो जो एक्विजिशन के बदले कैपिटल गेन की हैिटी होगी वो रिसीव होने पे होगी अब एक एग्जांपल से है यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टाइम रिसीव मान लिया एक्विजिशन हुआ 28 मार्च को 29 मार्च को आधी किस्त मिल गई और बाकी मिली दो अप्रैल को तो उनतीस मार्च को जो पहली किस्त मिली उस फाइनेंशियल ईयर में ये हो जाएगी अगर मान लिया एनहांस का मतलब होता है जब मान लिया कोई करदाता ने मुकदमा फाइल कर दिया कि जी मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं इस कंपनसेशन से और कोर्ट ने उसे बढ़ावा कंपनसेशन दिया तो जो उसे बोलते हैं एनहांस कंपनसेशन और इस एनहांस कंपनसेशन का जो कॉस्ट ऑफ एक्शन है वो नील माना जाता है छठा केस है सलम सेल का केस अगर सलम सेल क्या होती है जैसे मान लिया कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिक्री है तो उसमें हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बेचते समय हम ये नहीं कहते कि हमने दस रुपए की ये संपत्ति दस रुपये की है पचास रुपए की या अठा सौ रुपए की ऐसा नहीं बोलेंगे हमने कहा भाई लमसम है प्लांट भी लग रहा है मशीन भी लग रही है लैंड भी है बिल्डिंग भी है सब कुछ है सब कुछ है तो आपने कहा जी सब कुछ है कोई इश्यू नहीं है ओके है सब कुछ करेंगे सब कुछ लमसम बताइए कितने पैसे लेंगे जैसे कि हम कह देते हैं कि लमसम बताइए कितने पैसे लेंगे ये सारा सामान बताइए तो ठीक उसी प्रकार से उस वैल्यू को बोलते हैं संलम्प से तो जितने में वो सलम सेल डिसाइड हो जाती है तो उसके लिए हम असेट्स और लाइबिलिटीज को चेक करते हैं उस सलम सेल में और उससे जो प्रॉफिट होगा क्योंकि तो ट्रांसफर होगा तो जो गेन होगा वही गेन माना जाएगा सलम सेल के अंतर्गत थैंक यू वेरी मच ये लेक्चर नंबर फोर हो गया आज कैपिटल गेन का आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे दोबारा से ne ki ya?